कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ सब देखी। कोरोना ने सस्ते घरों के विकल्प को कम किए। भाई पैसा है ही नहीं तो क्या होगा? जो सस्ते घर का ऑप्शन तब होगा ना जब पैसा होगा। पैसा तो है ही नहीं, सेल हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, मुनाफा आ जाए। बड़े घरों की ओर बड़ा खरीदारों का रुझान। निर्माण लागत बढ़ने से डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट फ़ायदे का सौदा नहीं रहा। सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, कोरोना की वजह से 40 लाख से कम कीमत के सस्ते घरों की हिस्सेदारी नए लॉन्च में घटकर आधी हुई है। 80 लाख से 1.5 लाख 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के फ्लैट की मांग सबसे अधिक महानगरों में। आर्थिक संकट का भी दबाव है, फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, महंगे घरों का रिकॉर्ड बिक्री। आप देख रहे हैं कोरोना का सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। उस सेक्शन को आप टच नहीं कर सकते जिसके पास पैसा नहीं है। बस अब आते ज़्यादा पैसा वाला ही देखिए, पहले अभी मतलब वो है ही नहीं उतना मार्केट में कि भाई वो कम में मतलब कम वाला प्रोडक्ट ला सकते हैं। एक तो ऐसे ही फ्लाइट का दाम आप समझ रहे हैं ना कि क्या सिचुएशन है। पूरे एरोप्लेन जो जा रहे हैं प्लेन वो खाली खाली जा रहे हैं, उसमें भी 1/4 जो है मौसम की भेड़ चढ़ गए हैं। रिफंड की शिकायतें 50% से ऊपर हैं। रिफंड हवाई यात्रियों की संख्या तेज़ी से बढ़ने वाली एक्सपेक्टेड है, पर अब देखिए कब होता है। जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा तो सिंपल से बात है कि फ्लाइट का संख्या भी बढ़ता जाएगा। भारत में डाटा सेंटर बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट। GST में बने नए न्यायाधिकरण के उच्चतम न्यायालय वस्तु एवं सेवा कर GST अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद। न्यायाधिकरण बोलने में कोई दिक्कत हो रहा था तो बड़ा हिंदी वर्ड है, हिंदी मेरा भी वैसे भी बहुत अच्छा है। सेंसेक्स में 639 अंकों का उछाल, सही। खुदरा निवेशकों की बाजार में बड़ी भागीदारी। देश में डिजिटल मुद्रा जल्द लाने पर विचार कर रही रिजर्व बैंक, और कौन विचार करे, रिजर्व बैंक ही करेगी। भारत में डाटा सेंटर बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट। भारत का बाजार कठिन, अमेरिका बोले हाँ भाई बहुत कठिन। एयरटेल ने नया पोस्टपेड प्लान महंगा किया, ये आप क्या बोला जी, ऐसे ही इतनी गरीबी चल रही है, पैसा है नहीं, पोस्टपेड प्लान ही महंगा हो गया। फोर्ड ने फिगो के 2 नए स्वचालित संस्करण उतारे। आजकल तो सबसे इंटरेस्टिंग राज कुंद्रा जी हो गए। अब एक्सपेक्टेड न्यूज़ था लेकिन अब जो है सो है। राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने को 25 लाख दे दिए। कोर्ट पे खाज बेचारे ऐसे ही फंसे पड़े हैं, उन पे और आरोप लगाए कि 25 लाख का घूस दिए हैं। पोर्न फिल्मों के निर्माण और वितरण के आरोप से घिरे कारोबारी राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस को कथित तौर पर 25 लाख रुपए की घूस दी थी। महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने गुरुवार को यह खुलासा किया। ACB अधिकारियों के मुताबिक पोर्नोग्राफी मामले में एक अन्य आरोपी यश ठाकुर से 4 ईमेल मिले थे। इसमें कुंद्रा की गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस के अफसरों को 25 लाख रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। तो देखिए कोर पे खास है, बेचारे ऐसे ही फंसे हुए हैं। दैनिक भास्कर के 30 परिसरों पर छापा। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा समेत 30 स्थानों पर छापेमारी की। गलत है, ऐसा नहीं होना जो हो रहा है, ठीक है। क्या बोला जाए, पता नहीं क्या, नो कमेंट। 2 शिक्षकों के आविष्कार को पेटेंट मिला, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ग्रेटर नोएडा के 2 शिक्षकों को उनके आविष्कार के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के तहत पेटेंट प्रमाण पत्र मिला है। डॉक्टर प्रवीण कुमार माधुरी और कुशाग्र सिंह को उनके आविष्कार क्रॉप शेल्टर एंड वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस के लिए 19 जुलाई 2021 को यह प्रमाण पत्र मिला है। दोनों शिक्षक गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से जुड़े। यह पेटेंट अगले 20 वर्षों के लिए दिया गया है। सही है, गुड न्यूज। चीन में 1000 सालों की सबसे भयंकर बारिश। चीन में हर वर्ष भारी बारिश होती है जिसकी वजह से जान माल को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इस बार बारिश ने और भी ज़्यादा मेरा विनाशक रूप ले लिया है। 1000 वर्षों में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। दैनिक भास्कर के 30 परिसरों पर छापा पड़ा है। एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं, ठाकुर के हैं। मीडिया समूह दैनिक भास्कर और भारतीय समाचार पर आयकर के सरकार ने गुरुवार को कहा कि एजेंसी अपना काम करती है। एग्जैक्टली वही बात है, इसमें हम लोग का किसी का कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई और व्यक्ति की आज़ादी पर हमला ये विपक्ष का है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का, इसमें हमारा आपका कोई इंटरफेरेंस है, कोई कमेंट नहीं हो सकता है। वही बात, सिद्धू आज संभालेंगे पद, कैप्टन शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस के विवाद के बीच पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू हैं। अमरिंदर सिंह बोला जा रहा है कि मान गए हैं। पूर्व CM कल्याण सिंह की हालत नाजुक हो गई है। येदुरप्पा ने कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। NHRC पर बंगाल सरकार हलफनामा दे, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि NHRC पर बंगाल सरकार हलफनामा दे।
पेटीएम जोमेटो समेत कई ऐप घंटे भर ठप रहे हैं। कल का न्यूज़ है, अफगानिस्तान सीमा के 90% हिस्से पर कब्जे। तालिबान ने अफगानिस्तान में पड़ोसी देशों के साथ लगे सीमावर्ती 90% हिस्सों पर नियंत्रण का दावा किया है। सुनिए, फिर अमेरिका को एक्टिव होना पड़ेगा। लद्दाख के लिए नया केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत जरूरी भी है। इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर किया गया है। पन्ना राजघराने की बहू गिरफ्तार हो गई। मध्य प्रदेश की जो पन्ना राजघराने हैं, उनकी महारानी जितेश्वरी देवी को अपनी सास राजमाता दिलहर कुमारी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने के लिए मामले को गिरफ्तार कर लिया गया। गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार आपको 6,000 करोड़ दे रही है। लद्दाख के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी मिल गई है, गुड न्यूज़। सेंसेक्स 639 अंकों का उछाल के साथ बढ़ा है। अच्छा, वही